कॉन्ग्रेचुलेशन टूट गया, हमने देखा लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। देखा कि नहीं तूने? जस्ट अभी देखा। हाँ ओके, हाँ मैं देखा तो मैं हाँ बिल्कुल, तो फिर थैंक यू। ब्यूटीफुल लोकेशन मुझे बहुत ही पसंद आया एंड वो चिट्ठियां भी लिखी आप लोगों ने, परफेक्ट देखा तभी तो ऐसी सब बातें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बताइए कि पहले तो मैंने देखा ब्यूटीफुल लोकेशन मैं मुझे देखने को मिली आई थिंक ऋषिकेश हरिद्वार, कैसा रहा एक्सपीरियंस हरिद्वार एंड ऋषिकेश जैसे ब्यूटीफुल लोकेशन पे शूट करने के लिए? टूट गया बहुत अच्छी सिटी है, मैं पहली बार गया, अश्नूर भी पहली बार विजिट की थी वो सिटी, सो एंड वी गेट टू एक्सप्लोर लाइक सारे बेस्ट बेस्ट प्लेसेस जो होते हैं। सो हाँ कि मतलब बेस्ट लोकेशंस, तो बहुत मज़ा आया वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत इनोसेंट है, बहुत अनकरप्टेड या प्योर, मतलब दिल वाले बंदे हैं कि आपने ये बोल दिया तो कर देंगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग ट्वाइस बेसिकली। सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लोगों से मिलना, वहाँ का वहाँ की आरती जो है वो प्रॉपरली तो विजिट नहीं कर पाया हाँ तो हमने मिस कर दिया वो पार्ट, बट आफ्टर आरती भी जो देखा मैंने सिनेरियो वो बहुत ही सुंदर था। सो आई मीन आई कैन जस्ट इमेजिन कि वो जब आरती होती होगी तो वो कितनी सुंदर होती होगी, और इसी वजह से मेरे को वापस जाने का मन है हरिद्वार। बस बाल नोचना ही रह गया था ओ सॉरी, अरे रोल हो रहा था क्या? यार मतलब हम लोग एक्चुअली सेम बिल्डिंग में रहते हैं बट वी डिडंट गेट अ चांस टू मीट एट ऑल, हम सीधा शूट पे मिले। हाँ कि हम सेम बिल्डिंग में रहे, हम साथ में आ जाते। हाँ और उस समय जो है डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे थे तो वी कुड हैव लाइक यू नो शेयर्ड अ कैब। सॉरी यस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस अश्नूर? वेरी जेन्युइनली इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, वी हैड अ रियली गुड टाइम एंड यू नो यही होता है एज एन आर्टिस्ट, जब आपके सामने वाला आर्टिस्ट अपने आर्ट की इतनी कदर करता है, इतना स्ट्रांग होता है, तो आपको खुद मन करता है कि ओके हम भी बेटर करें। सो व्हेन द टू फोर्सेस मैच इट इट जस्ट क्रिएट्स मैजिक ऑन स्क्रीन। या वो तो ये मैं बोलूंगा कि आई मीन आई हैव नेवर वर्क्ड विद हर, और मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, उसको मैंने बोला ऐसा नहीं कि मैंने इनका काम भी नहीं देखा कभी। सो आई मीन व्हेन आई जब मैंने इनके साथ काम किया, जब इनके मतलब एक्शन रिएक्शन इज व्हाट इट इज आई फील एक्टिंग and she is very honest, so the way she used to react to mujhe bahut acha laga ki like she is actually like a very good actress, you know, because live maine dekha and I, that is when I realized and mujhe reaction mujhe dene mein bahut easy laga, because it was hum log ko zyada time nahi mila tha ki aisa ki when you doing music videos ki aa chill kare you understand this and that, hum log ko seedha cable car mein first shot was a cable car ka to wahan pe ghusa diya gaya and karo ye karo wo karo and we were like hum log chit chat bhi kar rahe hain and then we are trying to break the ice and started, but yeah I mean it went pretty smooth and it was super fun, so yeah the whole trip was super fun and maza aaya Ashnoor ke sath kaam karne ko, I don't know looking forward to watch next, and I was like Gangubai definitely, like arey thank you, then I'm like yeah kyun like arey main okay, then when I watched Gangubai I loved his performance, maine Shantanu ko bola before, he's done an amazing job and it felt so proud to have worked with such an amazing actor who's rocking it on the big screen. Aaj I thought you you like jo perform kiya samne usme aisa nahi tha, par us movie mein acha kiya tha Thank you, चलिए हम अपने टूट गया गाने पर आते हैं, तो बताइए कि तकरीबन कितनी बार दिल टूटा है आप लोगों का और आप लोगों ने कितनी बार दिल तोड़ा गाने? देखो दिल तोड़ा है पे हमारा जोर नहीं है, लड़कों ने किसी का भी आई थिंक आप अनइंटेंशनली बहुत लोगों का दिल तोड़ देते हो बिकॉज लोगों को आपसे कुछ कभी कभार ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, सो या
whatever it is, I mean, उस पे हमारा genuinely in terms of knowingly तो नहीं तोड़ा है, I don't think so. But and खुद का कितनी बार टूटा है? नहीं, नहीं टूटा है. Touch wood, ऐसा नहीं टूटा है. So yeah. तोड़ा है मैंने कुछ बार. Hey, nice. Honestly, but अपना दिल मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, ऐसे किसी को इसलिए देती नहीं हूँ. तो महफूज करके रखती हूँ, एक बार भी नहीं टूटने देती, खरोच भी नहीं आने देती हूँ. Nice. I protect myself. महफूज खरोच. उन्होंने बोला ना, हिंदी में बोला. Trying to recall all the words now. Yes. अच्छा, जो मैंने गाने में देखा, मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी. अब हम देख रहे हैं कि प्यार की थोड़ी परिभाषा में थोड़ा सा अलग हो गया है. हम लोगों ने गाने में ऐसे चिट्ठियां लिखी. यस यस यस. तो अब तो हम देखते हैं हमारा मॉडर्न लव आ गया है, लाइक ऐसे फोन पे ही ब्रेकअप हो जाता है, फोन पे प्यार मैसेज ब्रो. बिल्कुल, मैसेज में भी सब हो जाता है. अब मैं बताइए कि कभी चिट्ठियां लिखी है, लाइक आप बताइए बचपन में या ऐसे कुछ. लड़कियों को अपना लव लेटर्स तो नहीं लिखे मैंने. हाँ नहीं, मतलब मेरे टाइम में था वो सो क्यूट ये वाला होता है, बट आई मीन मैंने नहीं लिखी है. बट आई हैव सीन माय फ्रेंड्स राइट पोएम्स एंड लेटर्स. इंटरेस्टिंग लगता है वो जो होल सिनेरियो. आई थिंक इट्स रोमांटिक बाय डिफॉल्ट. आई फील इट्स वेरी रोमांटिक. और वो बहुत नेचुरली आता है. व्हेन यू फॉल फॉर समवन, यू स्टार्ट राइटिंग, यू स्टार्ट फीलिंग कि चीज़ें आपके साथ क्या हो रही है. वो आप आशिक और शायरी और पोएम लिखना बहुत, इट्स अ फर्स्ट इंस्टिंक्ट आई फील. एंड या सो वही चीज़ को थोड़ा सा वापस इस वीडियो में भी हम लोगों ने लाने की कोशिश की, बिकॉज इट इज़ अ रोमांटिक बीट. इट हैज़ अ वेरी डीपर कनेक्शन आई फील व्हेन यू राइट फॉर समवन इन योर ओन हैंड राइटिंग. आपकी सोच आप एक पेपर में लिख कर देते हो, एंड इट्स It has a different feeling too. Yeah. So yeah, I mean we're so happy कि वो जिस ढंग से वो picturized भी हुआ है, वो clearly समझ में आता है. एक जगह हाथ में है, एक जगह paper में है. So you know, बहुत good beautiful way of depicting and trying to stop your love. हाँ, अश्नूर को बोला. हाँ, तुमने तो कभी letter लिखा ही नहीं होगा. नहीं नहीं नहीं. बहुत सारे letter आती हैं, आए रहेंगे आपके पास. Cards, letters. कितने को ऐसा फाड़ के फेंका तूने मुंह पे. लव लेटर किसी के लिखा तो नहीं, लेकिन आई यूज्ड टू लव मेकिंग कार्ड्स फॉर माय मॉम डैडी नो मदर्स डे फादर्स डे. आई यूज्ड टू लव एंड टिल लेट आई गेस रादर देन बाइंग अ रेडीमेड कार्ड, द पर्सनलाइज्ड थिंग दैट यू मेक, चाहे वो सिंपल हो, बट दैट्स मच मच मोर वैल्यूएबल एंड मच मोर स्पेशल. चलिए हम अपने गाने पे आते हैं. लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है गाना, एंड आई थिंक अब कुछ ही टाइम में 1 मिलियन टच होने वाला है, हो जाएगा एक दो घंटे में. तो बताइए कि कैसा फील करते हैं ऑडियंस जब आप दोनों को ही बहुत ही प्यार करती है. आपकी कोई फिल्म आती है, कोई गाना आता है, तो लोग बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप लोग? ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है सर. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई फील अच्छा काम एंड अच्छा गाना है तो उसको अप्रिसिएशन मिले तो बहुत अच्छी बात है. बिकॉज बकवास तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, उसको अप्रिशिएशन मिल जाता है. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू गेट एंड रीच राइट ऑडियंस जो कंज्यूम करती है आपका गाना. क्योंकि आपकी पूरी टीम मेहनत करती है, इतने लोग मेहनत करते हैं टू मेक दैट सॉन्ग वर्क. एंड हमने भी बहुत मेहनत की है उस सॉन्ग को बनाने में, एंड होपफुली लोगों को पसंद आएगा एंड लोगों को राइट लोगों तक पहुँचेगा, एंड दे विल इट हेल्प रीच आउट lovers. Yeah. Yes. Yeah, Ashnoor, please carry on. मैं थोड़ा हेवर हो गया. नहीं नहीं, वही बोलना चाहेंगे यार. Whatever we are today is all because of our fans and all the love and support they've been given to us constantly throughout all the projects. And we just hope कि आप इस गाने को भी उतना ही प्यार दें, because as Shantanu said, it involves a lot of people's hard work. तो आप प्यार दें, because that's all we need. Yeah. And Palat. Palat. Yeah. I mean, master stroke है वो. मास्टर स्ट्रोक है वो. लड़की बड़ी फिल्मी है. सो आई मीन दैट वाज जब हम कर भी रहे थे तो वो वाला जो सीक्वेंस था वो बताया नहीं था आदित्य सर ने, जो द डायरेक्टर. सो ही वाज लाइक कि तुमसे तुम बैठोगे वहाँ पे, तुम सिटोगे, मैं बोल रहा हूँ तुम बैठोगे वहाँ पर, एंड देन दिस थिंग विल कम एंड इट विल पलट.
वाओ एंड हम लोग बहुत फटाफट शूट कर रहे थे बिकॉज लाइव लोकेशन में थी क्राउड कंट्रोल आफ्टर अ पॉइंट वाज डिफिकल्ट बिकॉज अश्नूर के लोग मतलब अश्नूर के फैंस लाइक दे वर लाइक रियली सो आई मीन सो वो सीक्वेंस ही करना था वेरी हंबल टुडे आई डोंट नो व्हाई सो वो ऐसा था कि ये मोमेंट में रिएक्ट करे आपको अप्रिशिएट करे कि शूट करे यू नो सो इट वाज ब्यूटीफुल आई फील लाइक That is something which everyone will remember and वो पलट वाला जो है वो फंडा वो है। क्योंकि हमेशा लड़का ही लड़की को पलटने के लिए क्यों बोले? हाँ। लड़की भी तो बोल सकती लड़के को, है ना? Yeah, yeah, absolutely. तो बताइए शांतनु जी कितनी बार इंतजार होता है आपको? पलट की। मैं ऐसे normal life में करता हूँ यार मतलब ऐसे हाँ normal life में ऐसे जरूरी क्यों है लड़की को? अगर ये पलटेगा यार तो फिर नेगोशिएशन अच्छा जा रहा है सो यू नो या आई विल इट डजंट हैव टू बी इन रोमांटिक कनोटेशन सो या तो चलिए जाते-जाते ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप बिल्कुल कहेंगे हम कहेंगे कि आप अपना हमारा गाना देखिए टूट गया रिलीज हो चुका है वो एंड बहुत मेहनत की है बहुत अच्छा प्यारा गाना है स्टेबिन ने बहुत अच्छे से गाया है सारेगामा के साथ मेरा ये तीसरा गाना है तीसरा है मेरा हाँ ऐसे कैसे याद है मेरा पहला गाना है तो आप प्लीज सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे जाके हमारा गाना देखिए बहुत सारा प्यार दीजिए क्यों कर रहा तू जबरदस्ती क्यों मेरे को बेइज्जती कर रहा है अभी तक लोग देख रहे थे वीडियो अभी निकल जाएंगे क्यों कर रहा है ऐसा थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर द इंटरव्यू थैंक यू